बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुशाहदे की बात। मैं हूं आपका मेज़बान सरदार हैदर अली। नाज़रीन मोहतरम, मशरक़ वुस्ता में इस वक्त बेचैनी शदीद बढ़ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के ज़रिए फ़लस्तीन के मुस्तकबिल का नक्शा सोशल मीडिया साइट पे अपलोड कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में लिखा कि मुस्तकबिल का फ़लस्तीन कुछ इस तरह से होगा और मशरक़ी यरूशलेम दारुल हुकूमत के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जिसपे दुनिया जहाँ से मुबसरीन ने मिला जुला रद्द अमल दिया। इतलात के मुताबिक शदीद रद्द अमल फ़लस्तीन और ईरान की जानिब से आया। मैं गुजारिश करूँगा प्रोड्यूसर साहब से कि ज़रा वो वीडियो क्लिप चलाएं जिसमें ईरान के टॉप के सियासी लीडरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पुतले को और इसराइल के झंडे को नजर आतिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पाक फौज के तर्जमान ने अपना रद्द अमल देते हुए लिखा कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि अरब रहनुमा इस तबाही के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। जाग जाओ, अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करते तो अपने आप को गद्दार समझें। दूसरी जानिब इसराइल सऊदी अरब के करीब तर होता जा रहा है। इसराइल के वजीर दाखिला ने कहा कि इसराइली शहरियों को सऊदी अरब सफ़र करने की इजाज़त होगी। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका आइंदा चंद रोज़ में मशरक़ वुस्ता में अमन के क़याम के लिए अपने नए मनसूबे का ऐलान करने वाला है। मुबसरीन के मुताबिक इसके लिए अमेरिका को सऊदी अरब की हमायत भी दरकार है। यह ऐलान इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान खामोशी से बढ़ते हुए तल्लुकात की एक ताज़ा मिसाल है। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान बाकायदा तौर पर सफारती तल्लुकात नहीं है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ईरान से मुतलिक एक मुश्तरक सोच पाई जाती है। अब यह होगा कि इसराइली शहरी को सऊदी अरब पहुँचने पर वीज़ा दे दिया जाएगा और पासपोर्ट पर सऊदी वीजे की मोहर से इसराइली हुकूमत को कोई एतराज भी नहीं होगा। हरिंदर मिश्रा ने बताया कि इसराइल के वजीर दाखला के दस्तखत से एक नया कानून मंजूर हो गया है। अब नए कानून के तहत इसराइली शहरी इसराइली पासपोर्ट पर सऊदी अरब जा सकेंगे। इनमें से जो मुसलमान है वो तो अपने मजहबी फराइज की अदायगी के लिए जा सकेंगे, जबकि यहूदी शहरी कारोबारी कामों के लिए जा सकेंगे, लेकिन इन्हें सऊदी अरब से किसी अदारे या सरकारी अहलकार का दावतनामा दरकार होगा। हरिंदर मिश्रा ने बताया कि वो कई ऐसे इसराइली शहरियों को जानते हैं जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो ये जाहिर करता है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक खामोश सी मुफाहमत पहले ही मौजूद है। इसराइली ऐलान के बारे में सऊदी अरब से अभी तक रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन सऊदी अरब पहले ही कई मरतबा ऐसे इकदाम कर चुका है जो दोनों ममालिक में तल्लुकात की बेहतरी की जानिब इशारा है। सन 2018 में सऊदी अरब ने इसराइल जाने वाली एयर इंडिया की परवाजों को अपनी फजाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दे दी थी, जिससे सफ़र में कई घंटों की कमी होती है। सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा के मुताबिक नेतन्याहू की क़यादत में इसराइली हुकूमत के फैसले की एक वजह यह भी हो सकती है कि इसराइल में मार्च में इंतखाबात हो रहे हैं और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये दिखाना चाहते हैं कि इनकी खारजा पॉलिसी की वजह से सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक से इसराइल के तल्लुकात बेहतर हुए हैं। मिस्र और उर्दन सिर्फ वो दो अरब ममालिक हैं जिनके इसराइल के साथ बाकायदा सफारती तल्लुकात और अमन मुआहदे हैं। इसराइली वजारत दाखिला के मुताबिक ये फैसला करते वक्त इसराइल के सिक्योरिटी अहलकारों और दीगर मुतलका अदारों से भी मशवरा किया गया है, जिसमें वजारत खारजा भी शामिल है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अरब दुनिया क्या कहती है। फ़लस्तीनियों की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद ट्रंप के इस मंसूबे को अरब दुनिया में अमेरिका के मुतद्दिद इतिहादियों ने खुशामदीद कहा है, जो ईरान की मुखालफत में ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मंगल को व्हाइट हाउस में जब सदर ट्रंप नेतन्याहू की मौजूदगी में इस मंसूबे का ऐलान कर रहे थे तो इस तकरीब में बहरेन, अमान और मुतहदा अरब अमारात के सफीर भी मौजूद थे। इन खलीजी ममालिक में से कोई भी इसराइल को तस्लीम नहीं करता। इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात रखने वाले मुल्क मिस्र ने फ़लस्तीनियों को ट्रंप प्लान का मुकम्मल जायजा लेने का मशवरा दिया है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के सदर रिचर्ड हाउस ने अपनी एक ट्वीट में लिखा,
फलस्तीनी मुकम्मल तौर पर इस मनसूबे को मुस्तरद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें इस कोशिश के खिलाफ मजम्मत करनी चाहिए और वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाएं, जहां वो अपनी मर्जी के मुतालबात पेश कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा, मनसूबे के मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देने से दो रियासती हल के लिए मौजूदा उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और इसराइली कब्जे का रास्ता हमवार हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान भी इस मामले में खामोश नजर नहीं आ रहा है और इसराइल भी इस बात को बखूबी समझता है कि इसराइल का वजूद ईरान को एक आंख नहीं बाता। सन 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद जब खोमैनी साहब बरसरे इक्तदार आए, इसके बाद से ईरानी रहनुमा इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान इसराइल के होने को मुस्तरद करता है और इसे मुसलमानों की जमीन का गैर कानूनी काबिज समझता है। इसराइल ईरान को अपने लिए खतरा समझता है और इसने हमेशा कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने चाहिए। इसराइली रहनुमा मशरक़ वुस्ता में ईरानी असर व रसूख और ईरानी मौजूदगी बढ़ने से खौफ ज़दा है। नाजरीन, इसराइल को एक खौफ ये भी लाहक है कि ईरान खुफिया तौर पर लबनान में, जो कि इसराइल का पड़ोसी मुल्क है, और इससे भी ख़तरा है। इसराइल का इल्ज़ाम है कि ईरान जंगजुओं को हथियार मुहैया कर रहा है। इसराइल के वज़ीर आज़म बार बार ये बात कह चुके हैं कि इनका मुल्क ईरान को शाम में फौजी अड्डा बनाने नहीं देंगे। सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान इसराइल से ताल्लुकात कायम क्यों ना कर सका। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के अब तक इसराइल से ताल्लुकात कायम ना कर सकने की तीन वजूहात हैं। पाकिस्तान अरब मुस्लिम ममालिक के साथ मजहबी यकजहती, दुनिया भर में कदामत पसंद मुसलमान तंजीमों की जानिब से मनफी रद्द अमल का खदशा, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम और मजहबी ग्रुपों के रद्द अमल का खौफ। माजी करीब में किसी पुरसरार इसराइली त्यारे और किसी खास मेहमान के पाकिस्तान आने और कुछ घंटे रुकने की खबरें भी पाकिस्तान में गर्दश करती रही थी, जिनकी हुकूमत ने सख्ती से तरदीद की थी। इससे कबल सदर जनरल परवेज मुशरफ के दौर में भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश की खबरें आई थी और इस वक्त के पाकिस्तानी वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी ने अपने इसराइली हम मनसब सलोन शालूम से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद खुद जनरल परवेज मुशर्रफ ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा के इजलास के मौके पर इस वक्त के इसराइली वजीर आजम एरल शरोन से हाथ मिलाया था और तस्वीरें खिंचवाई थी। नाजरीन मोहतरम, मुशाहदे की बात है कि अरबों और इसराइल के आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हैं। तुर्की और इसराइल की सालाना कई अरब डॉलर्स की दो तरफा तजारत होती है, तो पाकिस्तान के अरबों का मामा लगता है जो खामखा ताल्लुकात बिगाड़ कर बैठा है। आज इसराइल का पहला टूरिस्ट अपनी 70 साल तारीख में पहली मरतबा अपनी इसराइली पासपोर्ट पर सऊदी अरब पहुंचा और उसे दाखिले की इजाजत मिल गई। अब यहाँ के सो कॉल्ड मजहबी ग्रोह अगर वाकई गुरु गंडाल हैं तो इस इकदाम पर सऊदी किंग को यहूदी एजेंट कहकर दिखाएं, लेकिन चूंकि वो नहीं है इसलिए ऐसा नहीं कर सकेंगे। इनका सारा जोर पाकिस्तान पर चलता है, जिसके बनाने के गुनाह में ये सो कॉल्ड मजहबी ग्रोह वैसे ही शामिल नहीं थे। वक्त आ गया है कि हम भी अपने सफारती तल्लुकात का असर नो जायजा लें और मुल्क के मफाद में फैसले करना शुरू कर दें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सरदार हैदर अली को दीजिए इजाज़त इसी अपने मन के साथ कि अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।